बार के इस वीक की टीआरपी लिस्ट सामने आ चुकी है और एक बार फिर से अनुपमा ने नंबर वन की पोजीशन हासिल कर ली है। जी हाँ, वही शो बिग बॉस सीजन 18 भी शुरू हो चुका है, लेकिन शायद लोगों को ये शो कुछ खास इम्प्रेस नहीं कर पा रहा। वही इस हफ्ते जारी किए गए टीआरपी रिपोर्ट में काफी उतार चढ़ाव देखे गए हैं। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर अनुपमा को इस वीक की टीआरपी रिपोर्ट में नंबर वन पोजीशन हासिल हुई है। जी हाँ, बता दें कि शो में हाल फिलहाल एक बड़ा लीप आया था और शो में एक नई कहानी देखने को मिल रही है। सीरियल अनुपमा में जहाँ शिवम खजूरिया और अलीशा परवीन अपने किरदार से लोगों को लुभाते नजर आ रहे हैं और शो की कहानी में लगातार ट्विस्ट एंड टर्न से फैंस काफी एक्साइटेड हैं और इस कारण से इस हफ्ते शो को 2.4 रेटिंग मिली है। और दूसरे नंबर पर काबिज है स्टार प्लस का पॉपुलर शो रिश्ता क्या कहलाता है। जी हाँ, समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित स्टारर यह रिश्ता क्या कहलाता है इस वीक लिस्ट में दूसरे नंबर पर काबिज है। शो के करंट ट्रैक में अभीरा की प्रेगनेंसी को दिखाया जा रहा है जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। अभीरा अरमान की केमिस्ट्री को लोग काफी पसंद करने लगे हैं और इस शो को 2.2 मिलियन इम्प्रेशन मिले हैं। वहीं तीसरे नंबर पर है शो गुम है किसी के प्यार में। जी हाँ, भाविका शर्मा और हितेश भारद्वाज स्टारर सीरियल गुम है किसी के प्यार में को टीआरपी के लिस्ट में तीसरी पोजीशन मिली है और शो की टीआरपी पोजीशन में धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है। सभी और रजत की कहानी लोगों को काफी पसंद आ रही है और इसकी रेटिंग है 2.2। वहीं चौथे नंबर पर है कंवर ढिल्लन और नेहा हरसोरा स्टारर उड़ने की आशा। सचिन और सयाली को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और उनकी केमिस्ट्री और सचिन का अपना अंदाज लोगों को लुभाने में कामयाब रहा है और इस शो को इस हफ्ते रेटिंग मिली है 2.1। तो वहीं पांचवे नंबर पर है शो एडवोकेट अंजलि अवस्थी। जी हां, शो एक बार फिर से टॉप 5 में पहुंच चुका है। बता दें कि सीरियल हाल फिलहाल ही शुरू हुआ है लेकिन टीआरपी के लिस्ट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस है और इस हफ्ते एडवोकेट अंजलि अवस्थी की रेटिंग है 2.1। वहीं छठे पोजीशन पर है स्टार परिवार अवार्ड्स 2024 और सातवीं पोजीशन है हिवा नवाब और कुशाल आहूजा स्टारर सीरियल झनक की। तो वहीं आठवीं पोजीशन पर काबिज है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For latest TV news and gossips, subscribe to our channel Tele Network.